सावनेर तहसील के वाकोड़ी ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के लचर कार्य प्रणाली से ग्राम पंचायत के निवासी गणेश निनावे वार्ड क्रमांक एक के घर के पास के कुएं में करीब 8 दिनों से गिरे दो सुअरों को निकालने हेतु ग्राम वासियों ने सरपंच तथा सचिव को मौखिक व लिखित निवेदन कर दिया है, पर अब तक उन्हें कुएं में से निकालने की कोशिश नहीं होने से ग्राम वासियों में रोष व्यक्त किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार करीब 8 दिवस पूर्व दो सुअर उक्त कुएं में गिरने की जानकारी कुएं से सुअरों की आवाज आने से पता चली, जिसकी खबर वाकोड़ी ग्राम के सरपंच मनोहर जुनघरे तथा ग्राम सचिव देवेंद्र जुवाहर को आस पड़ोसों में रहने वाले नागरिकों ने मौखिक तौर पर दी, जिसका असर होते ना देख 2 जून 2023 को वार्ड क्रमांक 1 व 2 के निवासियों ने इसकी लिखित शिकायत करने पर भी स्थिति जैसे की तैसी बनी हुई है। ग्राम वासियों की माने तो कुएं में गिरे करीब दो सुअरों में से एक अब भी जीवित दिखाई पड़ रहा है, वहीं एक सुअर की दम घुटने से मौत भी हो गई है, जिससे आसपास दुर्गंधित वातावरण बना हुआ है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि दूषित वातावरण के चलते ग्रामवासियों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अन्य बीमारी फैलने का खतरा मंडला रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच तथा ग्राम सचिव को बार बार निवेदन कराने पर भी हालत जैसे के तैसी बनी हुई है। ऐसे में अगर वातावरण दूषित होकर बीमारियां फैलती है तो इसके लिए ग्राम पंचायत वाकोड़ी के सरपंच मनोहर जुनघरे तथा ग्राम सचिव देवेंद्र जुवाहर जवाबदार होने की बात विलास धकाते, रतनमाला निनावे, परमानंद खोरगड़े, दिकट गाटकी ने, गुणवंत धकाते, रघुनाल लिखार, इशाक बराड़े, इजाज शेख सहित प्रभाग के नागरिकों ने की है। इस विषय पर वाकोड़ी के सरपंच मनोहर जुनघरे से बात करने पर उन्होंने उक्त घटना से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि जिनकी यह सुअर है उन्हें इस घटना की जानकारी मौखिक तथा लिखित सूचना दी है, वे जल्द ही उन्हें कुएं से निकालने वाले हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपना सामाजिक दायित्व निभाया। वाकोड़ी ग्राम पंचायत वाकोड़ी अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 मध्ये गणेश निनावे यांच्या घराजवळ असलेली शासकीय विहीर, या विहिरीमध्ये जवळपास 31 तारखेपासून 2 गावठी सुअर पडलेले असून सरपंच सदस्य यांना फोनद्वारे सूचना करण्यात आली व लेखीसुद्धा त्यांना 2 तारखेला देण्यात आली असून त्यांनी अद्याप आज 8/6/2023 अद्याप त्यांनी कुठल्याही प्रकाराची त्या ठिकाणी कारवाई न करता ते जनावरांचा जीव धोक्यात असून सुद्धा त्यांनी दक्षता घेतलेली नाही अशी लापरवाही करत असते आणि लोकांचं सुद्धा या ठिकाणी ते जर जनावर मरण पावले तर नक्कीच जनतेला सुद्धा आरोग्याचा त्रास होणारच आहे, तरी याच्यावर लवकरात लवकर दक्षता घ्यावी। NBC न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।